सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार दोहरा रहे हैं कि वह बड़े दलों के साथ अब गठबंधन नहीं करेंगे। इससे साफ है कि 2024 के आम चुनाव में सपा और बसपा अलग ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अखिलेश यादव यह भी दोहराते रहे हैं कि भाजपा को हराने के लिए अम्बेडकर वादियों और लोहिया वादियों का साथ आना जरूरी है। बसपा से दूर रहने के बाद भी वह इस रणनीति पर काम करते दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों की नई सूची में यह बात साफ दिखती है। अखिलेश यादव ने एक तरफ आजम खान जैसे वरिष्ठ नेता को महासचिव के पद पर बरकरार रखा है, तो वहीं चाचा शिवपाल यादव को भी यही जिम्मेदारी देकर सम्मानित किया है। इसके अलावा सपा पदाधिकारियों की सूची में बसपा से आए नेताओं की बड़ी संख्या है। ये नेता ओबीसी और दलित समुदाय से आते हैं। इनके जरिए अखिलेश यादव ने लोहियावादी और अम्बेडकर वादियों को साथ लाने की कोशिश की है। एक तरफ तमाम विवादों के बाद भी उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे पिछड़े नेता को राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, तो वहीं इंद्रजीत सरोज को भी यह जिम्मेदारी दी है। दोनों नेता कभी मायावती के बेहद करीबी थे और बसपा के कद्दावर नेताओं में शामिल थे। बसपा से ही आए लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को भी महासचिव का पद दिया गया है। इनके जरिए अखिलेश यादव ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि सपा अकेले यादवों और मुस्लिमों की ही पार्टी नहीं है। उन्होंने कुर्मी मौर्य और राजभर जैसे समुदायों के नेताओं को प्रमोट कर ओबीसी दलित एकता का एक गुलदस्ता तैयार करने का प्रयास किया है। माना जा रहा है कि 2017 के मुकाबले 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा की सीटों में जो इजाफा हुआ था उसके पीछे भी यही वजह थी। हालांकि अखिलेश यादव पर आरोप लगते रहे हैं कि वह गैर यादव ओबीसी नेताओं और दलित समुदाय के नेताओं को बहुत प्रमोट नहीं करते हैं। अखिलेश यादव पर मुस्लिमों का एक वर्ग आरोप लगाता रहा है कि भाजपा सरकार ने जब आजम खां पर शिकंजा कसा तो उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया। विधायक का पद खोने वाले आजम खान के लिए यह राजनीतिक करियर का सबसे बुरा दौर माना जा रहा है। फिर भी अखिलेश यादव ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया है और लिस्ट में शिवपाल यादव से भी ऊपर उनका नाम है। इसके जरिए उन्होंने संदेश दिया है कि मुस्लिमों को लेकर उनकी नीति में कोई बदलाव नहीं है। यूपी के मुस्लिम सियासत में आजम खां को एक चेहरे के तौर पर जाना जाता है।